हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A22 के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। दोस्तों, ये फीचर्स ऐसे होने वाले कि जो आपको रेगुलर रूटीन में काम आएंगे और आपको अभी तक पता नहीं है। बढ़ते पहले फीचर की तरफ, इसके लिए आपको पहले कॉल में जाना है। कॉल में जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। फिर इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना है। कॉल बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें 4 डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं, जिसमें से मैं आपको एक रखकर दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी कॉल आने पर आपका फ़ोन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सेकंड फीचर है नोटिफिकेशन एज लाइटिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में जाना है। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा ब्रीफ पॉपअप सेटिंग, इसमें क्लिक करना होगा। फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा एज लाइटिंग स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आपका नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे। जैसे साइड एज लाइटनिंग है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको कुछ ऐसा लाइट शो होगा, आप देख सकते हो। और भी बहुत सारे हार्ट्स, ये यहाँ पे आप स्पेसिफिक कलर भी चूज़ कर सकते हो। इसमें से रेड देख सकते हो आप, ये येलो कलर, ये ग्रीन कलर। और साथ ही साथ आप जब एडवांस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड जो नोटिफिकेशन का टाइम है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। थर्ड फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, वही सेम टू सेम प्रोसीजर। फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में जाना है। फिर एडवांस सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करना है। इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद ये होगा कि जब भी आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा, अगर जल्दबाजी में कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाती है तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, नोटिफिकेशन में जाके, फिर एडवांस में जाके यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो। फोर्थ हिडन फीचर है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। इसके लिए आपको सेम टू सेम एडवांस सेटिंग में जाना होगा। फिर यहाँ पे आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो बबल्स एंड दूसरा पॉपअप व्यू। पॉपअप व्यू पे मैंने अभी किया है, ये आपको फ्लोटिंग विंडो की तरह है। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। और साथ ही साथ हमें इसमें नोटिफिकेशन ऐप सिलेक्ट करने होंगे, जिससे आपको उस टाइप की नोटिफिकेशन चाहिए। एक सेपरेट फ्लोटिंग विंडो जैसे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट फीचर है हाइड ऐप। इसे आपको सर्च करना होगा यहाँ पे, हाइड ऐप्स। सर्च करने के बाद होम स्क्रीन शॉर्टकट्स में आपको वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हाइड ऐप्स, इसमें आपको उन ऐप्स को सिलेक्ट करना है जिसे आप और लोगों से छुपाना चाहते हो। ऐप को सिलेक्ट करने के बाद आपको बस डन पे क्लिक करना है। फिर ये जो ऐप्स है आपके होम स्क्रीन से चले जाएंगे एंड वो और लोगों को शो नहीं होंगे। अब बात करते हैं 5th फीचर की, जिसकी मदद से आप टॉर्च की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको टॉर्च पर आना होगा। आप ये देख सकते हो, ये नॉर्मल टॉर्च है। जब आप इस टॉर्च जो लिखा है उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगी, जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा है मुझे इस फ़ोन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन से GIF क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको कैमरा में जाना होगा। कैमरा में जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पिक्चर्स में, क्रिएट GIF, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जब कभी भी आप फोटोज़ लोगे या फिर शॉर्ट क्लिप वीडियो लोगे, वो अपने आप GIF में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद लॉक स्क्रीन पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल में जाना होगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले सिलेक्ट करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे करना है आपको कस्टमाइजेशन या फिर लॉक स्क्रीन पे। मैं अभी लॉक स्क्रीन पे करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग क्लॉक्स देखने को मिलेंगे, आपको जो अच्छी लगे वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो उस लॉक का, ये अभी पिंक हो गया है। अब बात करते हैं कुछ मोड्स की, जो हमें इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं और वो आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर जाना है डिजिटल वेलबींग में। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा वर्क टाइम मोड, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको उन ऐप्स को सिलेक्ट करना होगा। तो ये फीचर आपको तब काम आएगा जब आपको काम के समय कोई ऐप्स से डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उनके नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। इसमें आपको सिंपली उन ऐप्स को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो, मतलब 1 घंटा 2 घंटा या फिर 30 मिनट्स। सेट करने के बाद उन ऐप से आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएगा। और एक और हमें फोकस मोड में देखने को मिलता है, बेड टाइम मोड। तो दोस्तों, दिन ब दिन रात में फ़ोन यूज़ करने की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये मोड।
ये मोड ऑन करने के बाद आपका फ़ोन जो है वो उसमें DND एक्टिवेट हो जाएगा और साथ ही साथ ग्रेस्केल मोड ऑन हो जाएगा। इसमें आपको स्पेशली टाइम सिलेक्ट करना होगा, आप कितने बजे वो एक्टिवेट करना चाहते हो। जैसे मैंने अभी 10 बजे सिलेक्ट किया है शाम के, 10 बजे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरा फ़ोन पूरा ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। इसी तरह से मेरा फ़ोन रात में ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं इसे ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाऊँगा एंड मैं सो जाऊँगा। तो आप भी मेरे तरह फ़ोन के दीवाने हो तो आपको ये मोड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें इसमें पैरेंटल कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जिसे यूज़ करके आप अपने बच्चे का फ़ोन एक्सेस कर सकते हो, उसे टर्न ऑन टर्न ऑफ़ कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो कि आपके बच्चे ने आज दिन भर में कौन से ऐप्स यूज़ किए, कितनी देर तक फ़ोन यूज़ किया, वो सारे डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की। उसके लिए सबसे पहले आपको एडवांस फीचर्स में जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे दिखेगा साइड की, इस पे जाना होगा। इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्च कैमरे का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। जब आप अपने लॉक स्क्रीन को दो बार प्रेस करोगे तभी अपने आप कैमरा ऑन कर देगा। यहाँ पे आप स्पेसिफिक ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसे आपको ऑन करना होगा। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है जिसका आप ज़रूर यूज़ करके देख सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट फीचर की। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बार ओपन करना होगा, फिर यहाँ पे राइट स्वाइप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली जो इसके स्पीकर्स है उनमें हमें वो सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जब आप इसमें ईयरफोन्स प्लग करोगे तभी हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तभी ये ऑप्शन ऑन होंगे। डॉल्बी का मज़ा आप गेमिंग के टाइम कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे ईयरफोन्स प्लग करने एंड इस फीचर को ऑन कर देना है। तो दोस्तों यही थे 10 हिडन फीचर सैमसंग गैलेक्सी A22 के। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।